सो भाई ये चेक करो। सो इस तरीके से आने गिरी ना पहले। तो यहाँ पे गणेश आए ना, वहाँ गणेश जी का मूर्ति है, यहाँ पे गणेश जी का मूर्ति है। तो एक चेक करो। तू जी सकदी नहीं, मैं जी सकदा नहीं। देखना कैसे दिखा तो हेलो ब्रड दिस, हेलो ब्रड, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे नहा के तैयार हो रहा है और मैं तैयार हो गया हूँ। अच्छा, तो गाइस ये मेरा बाल ना चेंदवा नहीं हुआ हूँ, वो नहाया हूँ ना तो अभी चिपका दिया हूँ मैं, कंडीशनर वगैरह लगाया था और फिर अभी फिलहाल ऐसे ही मैं वीडियो वगैरह चालू कर दिया था, मैं बना नहीं पाया था। सुबह मस्त 9 बजे उठ के सब फ्रेश व्रेश हो रहे थे, आधे मौसा जी लोग गए तो वो देख रहा था मैं अभी फिलहाल लग गए खाने यहाँ पे तो खेबड़ी को देखो चलान कर कर तो यहाँ पे देखो चॉकलेट के लिए लड़ रहे हैं हम और हम कर रहे थे चॉकलेट ऐसे कर, ऐसे लग रहा है कि इसको 2 नंबर आया, बाथरूम में सब घुसे हुए हैं। जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। तो वही अब बाहर का सीन ये है, बालकनी ये भी अपना, ये भी अपना, ये भी अपना और वो भी अपना। हैरियर चल दिया है दुर्ग, तुझे पता है मिनी मौसी का शादी हो गया, तुझे पता है मिनी मौसी का शादी हो गया, तुझे पता है मिनी मौसी का शादी हो गया। हां भाई हुआ था, पता चला मुझे। शिट, दिसंबर आ गया तो अभी फिलहाल देखते हैं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। ओके तो भाई हम यहाँ पे छपरी गिरी कर रहे हैं, देख सकते हो ये गरिमा का कुछ है। और इसका मुंह तो भाई, इसके शकल को बैन कर देना चाहिए गाइस, गाइस इसके मुंह सोनू भैया के दाढ़ी जैसे है। यहाँ पे चल रही है पैकिंग हम लोग निकलने के लिए, हम लोग निकल करके हो तैयार भी चलो ये है। हम निकल रहे हैं, ये देखो वहाँ पे भी निकल रहे हैं, नहीं पता कौन कौन कहाँ कहाँ जा रहा है और हम जाने वाले बुरे। तो इसका मुंह देख के थूक दो सब और अभी फिलहाल हम जाएंगे मस्त से घूमो घूमो घूमो। गरिमा का दांत देख के मुझे आता है उल्टी और गौरव का है 2 दिन का छुट्टी। वाह वाह वाह। तो भाई अभी फिलहाल हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो भाई हम लोग जा रहे हैं भूतेश्वर और वहाँ पे बहुत बड़ा शिवलिंग है जो हर दिन एक एक सेंटीमीटर दो दो ऐसे मतलब धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, बहुत धीरे बढ़ते हैं, पता नहीं चलता। जब मैं छोटा था तो वो भी मूर्ति भी थोड़ा छोटा था, बड़ा भी एकदम बड़ा हो गया। तो आप लोगों को दिखाएंगे, चलो चलते हैं, लेट्स गो। ओके तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं भूतेश्वर, ये देख सकते हो और हम अंदर चलते हैं। और ये जो दिख रहा है ना बड़ा सा, ये है हमारे शिवलिंग शिव जी का जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पे पूरे लाइन से दुकान वगैरह लगा हुआ है और ये भिखारी आ गई है यहाँ पे। अभी फिर हम जा रहे हैं और ये है बड़ा सा शिवलिंग, ये शिवलिंग। तो भाई ये शिवलिंग यहाँ पे हम लोग जब आए थे उतना भीड़ नहीं था यहाँ पे, ये देखो ये। तो भाई ये हमारे भोलेनाथ यहाँ भूतेश्वर के देख सकते हो,
अच्छा खासा भीड़ है, है ना? ठीक, किसका मुंह है? हाँ तो अरे सो 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 सो, ये देखो कितना प्यारा दिख रहा है, देखो। हाँ सो भाई ये चेक करो, ये देखो पूरा वक्त जिशन हमारी यहाँ पे लगे हुए दिख रहा है। अपन जब आए थे पता है इतना था, एकदम आधा था, इतना बड़ा नहीं था। मैं वही तो बोल रहा हूँ, अपन मतलब बहुत पहले आए थे, छोटा था मैं तब का। सो इस तरीके से आना, इधर ही आना पहले इस तरीके से। और ये देखो पूरा काट के यहाँ पे, ये पहले नहीं बना था जब हम लोग आए थे महादेव का। सो भाई ये देख रहे हो, ये भोलेनाथ का ये नाग, और ये देखो इनका भी पूजा किया जाता है, यहाँ पे चावल चढ़ाते हैं। और ये चेक करो शिव जी हमारे, इतना सुंदर दिख रहे। ये पूरा शिवलिंग है ना, धीरे धीरे बढ़ते रहता है। पहले अपन जब मैं छोटा था ना, ये भी उस टाइम थोड़ा छोटा था और अच्छा खासा बड़ा हो गया इसमें। तभी फिलहाल हम जलाने वाले अगरबत्ती, सो अगरबत्ती लगाएंगे। तो भाई अभी फिलहाल हम जा रहे हैं श्री राम जानकी मंदिर, तो यहाँ पे चलते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत सुंदर है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। सो ये थे हमारे राम जी और पूरे राम सिंह, और यहाँ पे हनुमान जी, सीता माता एंड लक्ष्मण जी। और यहाँ पे दूसरा मंदिर की तरफ आपको लगे चलते हैं अपन। ये वाला है मंदिर, ये भी जय श्री राम। यहाँ पे कौन से भगवान जी है? ये हनुमान जी, जय जय बजरंगबली। हनुमान जी का देखो पूरा ऑरेंज किया जाता है हमेशा बाहर का। एंड सेकेंडली महात्मा श्री सिंह भुवनेश्वरी, जय बाबा। अच्छा वो है उनका फ्री फोटो। ये अवतार या जब कलयुग आएगा तो ये भगवान विष्णु भगवान ये वाला रूप लेंगे, वही उन्हीं का बना हुआ है। दसवा रूप, ग्यारहवा की दसवा है कन, सबसे खतरनाक रूप ये है माँ कल की अवतार। ये हमारे नंदी जी। सो भाई अभी फिलहाल हम लोग जाएंगे गुफा की तरफ, तो गुफा के अंदर अपन चलते हैं। लाइफ को देखो अंदर में क्या देख के आते हैं। चलो चलो कैसे नहीं कर। अच्छा माता जी कुछ कुछ अंदर में, फ्लैश लाइट जलाना पड़ेगा। काली माता देखो, फाइनली भाई गुफा के अंदर से आ गए अपन। फोटो अगर खिंचाने के लिए खड़े कहाँ गए भाई सब? फोटो खिंचाने के लिए खड़े से रुके हुए थे। फुल माहौल है यार इस बार। अच्छा कतई मस्त, देखो नाना जी मस्त।
देखिए अच्छा खासा भीड़ है और अभी फिलहाल हम लोग अच्छा खासा घूम रहे हैं, दर्शन हो गया भगवान जी का, बोले ना आपको देखो कहाँ। फिर अभी जूता वगैरह पहनेंगे, चलो जा जा चल दो। तो यहाँ पे गणेश आए नवा, गणेश जी का मूर्ति है यहाँ पे, गणेश जी का मूर्ति है। अरे हमारे कृष्ण, अभी फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और यहाँ पे भी मंदिर आ रही है और मैंने देखा ही नहीं है कौन कौन सा मंदिर है, कौन सा है ये। तभी फिलहाल मैं निकलता हूँ, सब निकल रहे क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन है ना, केदारनाथ का भी होगा, हाँ केदारनाथ का ये और एक अमरनाथ भी होगा। ये भाई 11 पूरा घूमेंगे भाई, पूरा घूमेंगे अपन, अभी एक इसमें से मैं कोई भी नहीं घूमाऊँ। दामन मामा लोग चले गए क्या वहाँ है। ओके हम तो इसमें वाले हैं, चल भाई एंट्री को देखो। अरे देखो पूरा वो हो गया है भाई, सब चेक करो, दूसरा गाड़ी भी आ गया अपना, यहाँ पे जिप्सी खड़ा हुआ है और फिर भाषण वासन चल रहा, नहीं पता क्या क्या। अच्छा खासा धूप है, बस राजीव मेला भी, राजीव वगैरह भी जाएंगे बोल रहे, बस अंधेरा ना हो जाए। सो गाइस यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और मैं कोंटे में छेदा मैं घुसा हुआ, देखो ऐसे बैठा हुआ मैं। यहाँ पे मेहंदी लगा रही है जुअरिन, तो अभी फिलहाल देखो दीदी लोग सब बिस्किट विस्किट निकाल के हम लोग का चाय वाय का इंतजाम कर रहे हैं, इधर इधर इधर। तो भाई हम यहाँ चाय पीने वाले हैं और यहाँ पे सब बैठ के चाय पी रहे हैं, मैं बैठाऊँगा बिस्कुट। मम्मा बोलता है भाई ये वाला ही है, मम्मा बोला नहीं मम्मा तो फिलहाल हम लोग निकल गए गोरियाबंद से, निकल गए गोरियाबंद से एकदम और निकल गए गोरियाबंद से, और हम निकल रहे गोरियाबंद को बाय बाय करेंगे, हम रिज में भी जाएंगे थोड़ा बजे तक पहुंच जाएंगे। सब गोदी में बैठे
लोग पहुंच गए फाइनली दुर्ग और लोकेशन पर, और यहाँ पे चलते हैं अंदर, पैर का हालत खराब हो गया, अंदर मिलता हूँ ठंडी है। और फिलहाल हम लोग को चल रहा है खाना वाना, निकलेंगे अपन 9:30। तो गाइस फाइनली हमारी घर जाने का टाइम हो गया, यहाँ पे बोरिंग डे कल से चालू होने का है, और देखते हैं। नमस्कार मेरे भाई बहनों, क्या होता है, लेट्स गो। भाई फाइनली हम आ चुके हैं घर, और आज गए थे भूतेश्वर, आज ही जाने का भी प्लान था, बट क्या हुआ, लेट हो गए हम लोग वहीं से निकलते है ना, तो इसलिए जा नहीं पाए, और आने में खुद हम लोग 9 बजे दुर्ग पहुँचे, राजिम घूमते तो फिर तो 12-1 बज जाता, तो इसलिए हम लोग नहीं गए। तो कभी और प्लान करेंगे है ना, सो अपने ब्लॉग को यहीं पे करने का टाइम आ गया। भाई मैं भी चला सोने के लिए अभी फक रात से, क्योंकि ये 2 दिन अच्छे से नींद नहीं हुआ है, तो अपने ब्लॉग को ना थकावट यहीं पे करते हैं। सो दिस इज़ अ ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।